الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان summer आज बड़े ना बहुत दिल के साथ है हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं सोचा तो भी नहीं था कि ज़िंदगी में एक और परेशानी इस तरह से देखनी पड़ जाएगी कभी सोचा ही नहीं था कितना अपने आप को मजबूत करो कितना ज्यादा बस मेरे बस में नहीं ज़्यादा बसमल रहाकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अलहमद हम लोग भी बस अलहमदिल्ला से ठीक है कभी कभी इंसान कुछ और सोच रहा होता है ना और वो सोच कि उस लास्ट लिमिट पे जब चला जाता है उसके बाद अगर कुछ सारा कुछ उल्ट होता नज़र आए ना तो सोचें कि वो बंदा फिर उसकी क्या कैफियत होगी बस आजकल ना यही मेरे साथ जो है वो चल रहा है तीन चार दिन पहले जो है ना मैं आ, नताशा और आ, मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे पेरिस हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल है जहाँ पे नवीद का जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए हमने लिस्ट में नाम डाला हुआ है वहाँ पे और आ, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकती क्योंकि एक ऐसी आ, मैं कहती हूँ कि परेशानी जो मैं अपनी ज़ात पे नहीं सह पा रही वो मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊंगी और क्योंकि जहाँ पे ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं मैं उन प्यार करने वाले लोगों को ना मज़ीद परेशान नहीं कर सकती लेकिन अगर आज की मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ना तो उसका सिर्फ़ एक ही मकसद है वो ये कि आप लोगों ने मेरे लिए और ज़्यादा दुआएं करनी हैं कि जो रस्ते बंद होते हुए अब नज़र आ रहे हैं वो खुल जाएं बस एक साथ एक परेशानी नहीं दो तीन परेशानियों ने जो है ना वो घेरा डाल दिया है और जिसने मुझे एक दम से तोड़ के रख दिया है मेरी फैमिली को नवीद को सब को आजमाइशें इतनी तवील हो जाती हैं ये कभी सोचा भी नहीं था वक्त इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है कभी सोचा नहीं था चाहे इंसान कितना ही कितना ही इंसान जो है ना वो बहादुर हो लेकिन आपको पता है अगर आप किसी चीज़ का इतनी बेसब्री से इतने सालों से कुछ अब वेट कर रहे हों और उसके लास्ट मोमेंट्स पे आके अगर आप कोई परेशानी वाली बात सुनने को मिले तो फिर क्या इंसान पे बीतती है लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है वो रस्ते खोलता है और ऐसे ऐसे रस्ते खोलता है जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता सो so, आज की ये कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि रमज़ान का आहरी अशरा है ताक रातें हैं इबादत की रातें हैं तुल कदर की रातें हैं न जाने किसके उठाएगे उठाए गए हाथ किसके मुँह से कही गई दुआ मेरी तकदीर बदल दे और शायद मैं आ, नताशा के साथ भी यही चीज़ डिस्कस कर रही थी कि अपनी तकलीफ़ बताना दिखाना ये सब चीज़ें कौन करना चाहता है कोई भी करना नहीं चाहता अगर मैं आपके साथ कोई दिल की बात कुछ शेयर करती हूँ तो जस्ट इसलिए आपकी दुआएं समेटने के लिए आपसे मोहब्बत का अंदाज़ा मैंने कल की वीडियो में लगाया जहाँ पे जब मैंने आपसे जस्ट एक छोटी सी दिल की बात कही कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है और तकरीबन नाइन्टी एट परसेंट कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताया कोई यूके से कोई जर्मन से कोई पाकिस्तान से सियालकोट से कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं तो मुझे एक बहुत ही ना और तरह की अटैचमेंट आप लोगों से फ़ील हुई कि दुनिया के कोने कोने से जब आप लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ से आप लोग दुआएं कर रहे हैं मेरी फैमिली के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये जो नई परेशानी एक साथ एक नहीं दो तीन आई है और इसने तो नवीद की कमर को तोड़ के रख दिया है इन ताक रातों में जहाँ पे आप इबादत के बाद अपने प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखें वहाँ पे मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और मैं सोच रही थी कि मैं ना रमज़ान के बाद मतलब ईद के बाद जो है ना ये व्लॉगिंग स्टॉप करके जस्ट मैं आपके साथ जो है ना कोई एक रेसिपी शेयर कर दिया करूँगी बस अभी दिल बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत ज़्यादा और मैं अपने साथ साथ ना आप लोगों को मज़ीद परेशान कभी भी नहीं कर सकती हूँ और बस आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग क्या मुझे सपोर्ट करेंगे अगर मैं इसी चैनल पे जस्ट कुकिंग की वीडियोस जो है ना वो अपलोड कर दिया करूँगी और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया ना तो फिर इसी चैनल पर जस्ट कुकिंग की वीडियोस ही आया करेंगी तो बस आप लोगों के सपोर्ट की, की ज़रूरत है जो मेरे कहे बगैर आप लोगों में से जितने अच्छे लोग हैं वो मुझे कर रहे हैं ये दो दिन का कम्बाइन ब्लॉग था उस दिन हम लोग जा रहे थे पेरिस हॉस्पिटल और नवीद तो गए थे एम्बुलेंस पे मैं और नताशा ने जाना था ट्रेन पर क्योंकि मेरी भी तबीयत जो है ना वो एम्बुलेंस पे बहुत ख़राब होती है नताशा को उसकी भी वामटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग चलते हैं ट्रेन पे हम लोग भी टाइम से पहले पहुंच गए थे तो फिर मैंने नताशा से कहा कि चलो हम लोग ऐसे करते हैं अगर हम लोग टाइम से पहले पहुँच गए ना तो कोई सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो ले लेते हैं हमारे यहाँ ना टाउन में जस्ट वही सिंपल सी सब्ज़ियाँ मिलती हैं वही बैंगन है काली तोरी वो जुकी नी है बस या शिमला है तो बस उसमें से एक दो सब्ज़ी तो तनवीर ने खानी नहीं होती है तो बस फिर बहुत जो है ना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे देखना निताशा जो है ना वो काली से फिर हाफ लीव लेके जो है ना वो आ गई थी और फिर बस हम लोग बच्चे स्कूल से आए उनको बस जल्दी से मैंने दिन का लंच करवाया और उनको वापस स्कूल भेजा फाइक रिमीज़ को मैंने कहा कि शाम को जो है ना वो हुरैन को लेके आ जाना तो हम लोग भी जो है ना टाइम से पहुंच जाएंगे और कल की वीडियोस में ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि मैं ऑनलाइन जो है ना शॉपिंग क्यों नहीं करती हूँ ऑनलाइन मैं आपको बताऊँ जब से हम यहाँ फ्रांस में है ना मेरे और मेरे हस्बैंड के पास कोई भी बैंक का अकाउंट नहीं है सिर्फ हमारे पास एक लापोस का अकाउंट है और उसमें ये होता है कि लापोस के अकाउंट से हम लोग कहीं पर जो है ना ट्रांजेक्शन पे नहीं कर सकते हम लोग कहीं पर किसी भी मार्केट में जा पे नहीं कर सकते हैं बस उसमें डिपॉज़िट करवा सकते हैं विद्रा करवा सकते हैं लेकिन हम कहीं पर पे नहीं कर सकते तो ये ये बहुत बड़ा मसला है और ऑनलाइन पे करने के लिए आपको पता है कि हमें पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है ऑनलाइन तो ये मसला है जिस वजह से हम लोगों ने कभी भी ऑनलाइन जो है ना कुछ नहीं मंगवाया इवन आप लोगों को मैं बताऊं आप लोग पूछेंगे कि फिर मेरी यूट्यूब की जो है ना वो इनकम कहाँ आती है तो ये जो मेरी यूट्यूब की इनकम है ये पहले मेरी एक और फ्रेंड के पास आती थी और वो काफ़ी दूर रहती थी उसके बाद फिर मेरी एक और फ्रेंड उसका अकाउंट जो है ना हमने वो लिंक किया हुआ है तो बस इस तरह से जो है ना वो सिस्टम चल रहा है जब हमारे पास यहाँ के पेपर्स हो जाएंगे इन डॉक्यूमेंट का मसला हल हो जाएगा तो फिर हमारा यहाँ पे अकाउंट भी बन जाएगा तो फिर इन शाला हम लोग ना ऑनलाइन ही देखा करेंगे बल्कि निताशा ने दो तीन दफ़ा देखा भी है मामा शीन पे देखें कितनी अच्छी डिस्काउंट लगी हुई होती है इतने रीज़नेबल प्राइस पे इतने अच्छे कपड़े जो है ना ये मिल रहे होते हैं लेकिन आ जाके फिर मसला वही आ जाता है और फिर ये ऐसी चीज़ है ना कि बंदा किसी को बार बार परेशान भी नहीं कर सकता किसी को बंदा जो है वो तंग नहीं कर सकता इवन यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा मसला था बच्चों के आ, स्कूल की जो इंश्योरेंस होती है ना वो भी ऑनलाइन पे करनी थी वो दो साल पहले तो हमारे यहाँ टाउन में ना बना हुआ था दफ्तर तो वहाँ पर जाके हम लोग ऑफ़िस में पेमेंट करके तो बच्चों की ना इंश्योरेंस ले लिया करते थे लेकिन पिछले साल मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई इतनी प्रॉब्लम हुई कि जिसको कहूँ किसी के अकाउंट में बैलेंस नहीं था किसी का कोई मसला था ये वो तो बड़ी टेंशनों के बाद जाके ना फाइनली फिर मेरा ये मसला हल हुआ सो बस मैं कहती हूँ कि किसी भी मामले में किसी भी ज़िंदगी के मैटर में अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी चीज़ का मुख्ताज ना करे और हमेशा अल्लाह ताला जो है ना हर इंसान के बस में इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो अपनी हर ज़िंदगी की ज़रूरियात को ख़ुद अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज कर सके और मेरी तो आदत ही नहीं है कि मैं किसी को हाँ हाँ जो है ना कभी भी परेशान करूँ किसी भी मामले में और हम लोग जब यहाँ पेरिस गए ना तो नताशा मुझे बता रही थी कहती मामा ये देखो ये बूढ़े बूढ़े लोग हैं और ये देखें यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं और बस जिंदगी जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी के किसी भी एज में किसी भी बचपन है जवानी है बुढ़ापा है हर इंसान ज़िंदगी को जीना चाहता है ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी को जीने में बहुत फ़र्क है बहुत मेरे हस्बैंड से कभी आके पूछे अभी कोविड के बाद ना वो बिल्कुल बिस्तर हो के होके रह गए हैं कोविड ने उन्हें बहुत अंदरूनी तौर पे परेशान किया है बहुत बहुत फिज़िकली बहुत डिस्टर्ब किया है और थोड़ा सा वो दो मिनट चलते हैं तो बैठ जाते हैं इवन जब हम लोग उस दिन मार्केट गए ना तो एक शॉप के बाहर नवीद ने कहा मैं बच्चे लेके बैठता हूँ तुम जल्दी से जो जहाँ चेक करना है फटाफट से देख लो दिल तो उनका भी बहुत करता है हमारे साथ बाहर जाएँ मेरा भी दिल करता है कि हम लोग अकेले कहीं ना जाएँ लेकिन बस ये सेहत है ना यकीन करें कि सेहत से बढ़ के कोई भी दौलत नहीं है हम तंदुरुस्त होते हैं ना तो तो हमें किसी चीज़ की उस तरह से परवाह ही नहीं होती है अब निविद कहते हैं कि मुझे चाहे कोई किसी झोंपड़ी में रख देना निविद कहते हैं मुझे चाहे किसी झोंपड़ी में रहना पड़ जाए ना मुझे दो टाइम आधी रोटी भी खाने को मिल जाए लेकिन मैं कहता हूँ मुझे सेहत वापस आ जाए मैं दोबारा से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ मैं भागते दौड़ते ना अपने आप को देखना चाहता हूँ और बस अल्लाह की याद करे वो टाइम वापस आ जाए जो आजमाइश की गड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए हम तो इंसान हैं बहुत कमज़ोर हैं बहुत कमज़ोर हैं बहुत जल्द हम लोग थक जाते हैं मैं जानती हूँ हमारे इर्द गिर्द हर इंसान की अपनी ही कहानी है हर इंसान किसी न किसी परेशानी में है हॉस्पिटल्स में चले जाए वहाँ पे रश ही रश है इतने लोग पता नहीं तरह तरह की बीमारियों में हैं इसी तो ज़िंदगी को एक आजमाइश ही कहा गया है ज़िंदगी को बस एक मुसाफिर की तरह ही कहा गया है कि हम इंसान यहाँ पे आते हैं मुसाफिरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं बस अल्लाह ताला की जात हमसे राजी हो जाए और सुर रहमान हम लोग अलहमदिल्ला से सुनते हैं एवरी डे मेरा मामूल होता है सुबह हम लोग मैं जब भी जाती हूँ किचन में और सहरी में भी इवन सुबह नाश्ता बच्चों के लिए बना रही होती हूँ तो सुर रहमान लगा के रख लेती हूँ और इन शाला इनशाला हमने इसकी पहले भी थेरापी की थी अब दोबारा से इसकी थ्रेरापी जो है ना वो स्टार्ट की है अलहमदिल्ला तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह तला की ज़ात कोई मौजिज़ा दे दे और आने वाली मुश्किल को आसानियों में बदल दे आमीन ये जो तो इतना सारा मसला सर आ पड़ा है ना बस ये किसी तरह जिस तरह से आया है उसी तरह वापस चला जाए नताशा भी इसीलिए साथ गई थी क्योंकि यहाँ आपको पता है फ़्रेंच इतनी अच्छी हमें आती नहीं है इंग्लिश कम कम डॉक्टर्स बोलते हैं तो बेटी इसीलिए हमारे साथ गई थी कि मामा मैं खुद बात करूँगी जो एक दूसरे डॉक्टर ने कहा उस पर तो यकीन ही आ रहा था क्या कुछ हमारे साथ चल रहा है और अभी जब ये दूसरे डॉक्टर के पास जाना था तो इसीलिए बेटी भी साथ आई इवन हमारी ये जो सोशल वर्कर है वो भी हमारे साथ गई हुई थी तो सोचें कि कितनी बड़ी परेशानी है जो एकदम से हमारे सर पे आ गई है बस वो अब की जात ही है ना जो किसी परेशानी जो आती है वही निकालने वाला है ये देखें इतने में नवीद भी आ गए एम्बुलेंस के साथ और हम लोग काफ़ी देर पहले जो है ना वो नवीद से आ चुके थे फिर यहाँ पे डेढ़ से दो घंटा हमारी मीटिंग चलती रही डॉक्टर के साथ और कभी कभी इंसान कितना बेबस हो जाता है उसके हथियार में कुछ भी नहीं होता इंसान बहुत कुछ करना चाहता है अपने प्यारों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन पता नहीं वो इतना बेबस क्यों हो जाता है बस इन दिनों में ना मैं अपने आप को बड़ा सैड फील कर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि मैं सैड हूँ बिल्कुल भी नहीं मैं चाहती लेकिन आ, बस इंसान होना इंसान टूट के रह जाता है तला की ज़ात हमें बुरे लोगों की नज़र बद बच से बचा के रखे हासिदों के हसद से बचाए शरीरों के शर से बचाए और हमेशा हमेशा अपनी हिज ईमान में रखे उसी पे ही सारे मामूलात छोड़े हुए हैं उससे बढ़ के तो कोई कारसाज नहीं है वो कहते हैं ना गिराने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है और बस उसी की ज़ात पे ही सब कुछ छोड़ा हुआ है बस काश ऐसा वक्त जल्दी आ जाए जब हम अपने इस गुज़रे वक्त की सारी तकलीफ़ों को भूल कर एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और पेरेंट्स क्या कुछ नहीं करना चाहते अपने बच्चों के लिए यह किसी बाप से जाके पूछे पूछें एक बाप क्या कुछ नहीं करना चाहता अपने बच्चों के लिए कल परसों नवीद कहते हैं मुझे कभी कभी ना मेरा दिल बड़ा दुखता है जब वो हॉस्पिटल से आती है ना तो कभी कभी हुन पूछती है डैडी आप मेरे लिए क्या लेके आए हो डैडी आप मेरे लिए कुछ ले आए हो तो नवीद ना एकदम से बड़ा ऐसे सैड फील करते हैं ना वो कहते हैं जाहिर है बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो इस छोटी मासूम बच्ची को क्या पता कि मैं डायलिसिस के लिए इस तरह से जा रहा हूँ और तो सोचे एक बाप अपने आप को कहाँ कहाँ बेबस महसूस नहीं करता अगर परेशानियों ने बीमारियों ने उसे पकड़ के एक अपनी ज़द में ले लिया हो सो so, एक तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है दूसरा आप लोगों ने मुझे आज मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि क्या रमज़ान के बाद आप लोग ईद के बाद मेरे इस चैनल को उस तरह से सपोर्ट करेंगे अगर जस्ट मैं कुकिंग का चैनल इसको बना लूं बस मैं अपने प्यारों को आप सब लोगों को ना मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती कम अज़ कम दो मंथ तक जो है ना शायद मैं ब्लॉगिंग ना स्टार्ट कर सकूँ जब तक ये परेशानी हमारे से छट नहीं जाती ये परेशानी और ऑलरेडी आप लोगों को मैं बहुत परेशान करती हूँ तो अल्लाह ताला बस आप लोगों का भी हामीना नसीर हो आप लोगों में से कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ डे वन से हैं और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है कुछ लोग जो है ना वो बस ये देखने आते हैं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनका भी भला हो कुछ लोग हर अच्छे बुरे मौके पे मेरे साथ होते हैं अप्रिशिएट करते हैं उनका तो मेरी ज़ात पे एक एहसान है जो मैं लफ्ज़ों में तो कभी भी उतार नहीं सकती अल्लाह ताला की ज़ात ही आपकी हामीना नासिर हो अल्लाह ताला की ज़ात अगर आप अगर आप मेरे किसी दुख का मदावा अपने लफ्ज़ों के ज़रिए ही कर सकते हैं ना तो अल्लाह ताला की जात उस भी ज़ाया नहीं करता वो रब की ज़ात तो ऐसी है कि जो किसी की एक छोटी सी नेकी को भी ज़ाया नहीं करती तो सो मेरे चैनल को सपोर्ट करना मेरी फैमिली को सपोर्ट करना मेरी फैमिली के लिए इतनी सारी दुआएं करना ये भी आप लोगों की एक बहुत बड़ी नेकी है अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे आमीन जितने भी बीमार मोमिन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला सब की बीमारियों को दूर कर दे सबकी परेशानियों को दूर कर दे आमीन बस यहाँ पे मैं चाहूँगी अब सबसे इजाज़त अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दवाओं में याद और ज़िंदगी रही तो आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी हाफिज़ टेक केयर फ़ी अमान